तो गाइस अब हम बागेश्वर पहुंच चुके हैं और फर्स्ट बार इस पुल पे आए हैं हम। क्या पहन लिया कमेंट कीजिए। 50 कमेंट होंगे, मैं तभी दिखाऊंगी, तभी भेजूंगी अपनी वाली वीडियोस को। सुबह से करिश्मा ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, इसका पर्स आज 4 बार खो गया। आज मैं घर जा रही हूँ और सारी दीदी लोग जल्दी हम चले घर को। आधे रास्ते में पहुंचे हम सामान ढोलते हुए, जो इसका रियल का सामान तो सुंदर लोकेशन है ना। हाँ, यहाँ ना अल्मोड़ा महोत्सव का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बट ड्यू टू कोविड 2-3 सालों से हुआ नहीं है। अच्छा, हमने भी देखा ना, हम आए थे एक बार। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इससे बोला कि एक जगह से हम जा रहे थे, शॉर्ट रास्ता था, यहाँ पे चढ़ाई है, कहीं सिंपल वाले रास्ते से चलते हैं और यहाँ से इसकी डबल चढ़ाई, सीढ़ियाँ वहाँ पे तो सीढ़ियाँ ही थे और ये चढ़ाई ही रही। यार ये तो और ज़्यादा चढ़ाई है। कुछ कहेंगे इतनी चढ़ाई है ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत चलना पड़ता है, इसीलिए हम मार्केट जाने के बारे में महीने में एक ही बार सोचते हैं। इससे अच्छा हम वही उसी रास्ते से आते, रोड ही रोड आते, अभी तक पहुंच भी जाते। महान है हमारी पिंकी। गाइस देखिए करिश्मा को उल्टी होती है, इसीलिए दवाई खा रही है रास्ते पे। वो भी करिश्मा की हल्दी के लिए एक ड्रेस फिक्स, जब हल्दी के लिए मतलब कि इसको हल्दी फंक्शन में जाना है, ये ड्रेस फिक्स की, कितना प्यारा लग रहा है मस्टर्ड कलर। बट ना ये बहुत महंगा, सस्ता नहीं कर रही है, हमारे पास टिकट नहीं है घर जाने का। अगर ये सस्ता करेंगे तो हम आपको भी रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ से लो, ठीक है। गाइस हम जिम पे आ चुके हैं, फालतू का खर्चा करवाया इसने। देखिए यहाँ जिम है, वही मारेंगे मुझे। ये देखिए हनुमान जी, जिम का नाम क्या है। हम पहुँच चुके हैं, बस पे बैठ चुके हैं, ताकला वाली बस पे। कल मैंने करिश्मा की इयररिंग्स तोड़ दी थी, अभी चिपका रही है, बड़ी मुश्किल से हमने फेवी बॉन्ड ढूंढा, घर जाके चिपकाना करिश्मा यहाँ पे ना, यू नो घर जाके तू नहीं धूप पे रखना फिर। गाइस देखिए यहाँ पे अल्मोड़ा में एक नई दुकान खुली है, तस्मी ड्राई हाउस। यहाँ पे आपको सारे ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, शायद आज ही इसका इनॉग्रेशन डे है। सो गाइस अभी हम पहुँचे हैं ताकुला पे, खाना खाएंगे, करिश्मा को उल्टी हो गई है बहुत ज़्यादा, जबकि इसने दवाई भी खाई थी। गाइस करिश्मा की हालत डाउन हो चुकी है और अभी हम खाएंगे पकौड़ी। हाँ मैं खाऊंगी, मेहंदी दिखा कितनी डार्क लगी है। हेलो, ये हमारी न्यू फ्रेंड है, आपको भी गाड़ी लगी है ना। चलो ये फिर से खाने लगी। हिम्मत की दांत, सफर में तेल वाला खा रही है। नशा मुक्ति वाला चल रहा है कुछ, आप कुछ बोलेंगे इस पे? मेरा पति भी पिएगा तो मैं भी ऐसे ही बोलूंगी। रोना तू, मेरा पति पहले बहुत पीता था, जैसे ये दवाई मंगाई उसके यहाँ पीना और मांगी। ये देखिए गाइस करिश्मा का सीरियल स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए टीवी ये है और रिमोट देखिए, सही लोगों का भी झगड़ा होता होगा रिमोट में। सही बोला, ये सीरियल ही बहुत सुंदर, एक का नशा मुक्ति वाला देखते होंगे। और तो आज हम घर जा रहे थे, अब मेरा ब्लॉग एडिट कौन करेगा, करना।
कैसे फोन लेके जा ठीक है हाँ ओके अब मैं ब्लॉग आप मेरा लगातार मेरा ही देखेंगे आप इसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी आपको क्योंकि ये मेरी ब्लॉग की एडिटर है जो ब्लॉग आपको इतने सुंदर देखने को मिलते हैं मैं ही एडिट करती हूँ यस मेरी बात करना शायद अगर मेरा दूसरा चैनल लगा है साई मेहंदी आर्ट्स प्रियंका साई वाला चैनल इसका है अगर आपको मेहंदी वेहंदी लगानी हो तो आप कॉन्टैक्ट करें फ्री में लगाती हो मेरा तो फ्री में है तेरी शादी में नहीं लगाऊंगी फ्री में पूरे 20,000 लूंगी उल्टा और ऊपर मेरे रिश्तेदारों का भी लगाएगी भाई बड़ा गाइज हम अभी बागेश्वर पे पहुँच चुके हैं अब हम कहाँ जाएंगे बता जल्दी नहीं रेस्टोरेंट चलो ठीक है बाय ओके ठीक है बाय अपना नाम बता लो ओके बाय सिया गाइस अब हम बागेश्वर पहुँच चुके हैं और हमें अब कपकोट की गाड़ी पकड़नी है उससे पहले करिश्मा हाँ हमें जाना है खाने के लिए तो हम जाएंगे अभी खाने के लिए पेट पूजा करना है आ चुके हैं हम बागनाथ नगरी बागनाथ का द्वार है बता कौन से रेस्टोरेंट में आई है जूसी रेस्टोरेंट हाँ देखो गाइस मोमो आ चुके हैं गाइस देखिए करिश्मा का डोसा आ चुका है एकदम न्यू स्टाइल से गाइस करिश्मा ने डोसा मंगाया था और बिल्कुल अच्छे नहीं हो रहे थे ना अब उसने नूडल्स मंगाए हैं सिर्फ मोमो अच्छे हैं यहाँ के हाँ गाइस अब हम चलते हैं क्योंकि बारिश का मौसम हो चुका है और ओके बाय सो गाइस अभी हम बागनाथ मंदिर की ओर चलते हैं वहाँ भी आपको दिखाते हैं बारिश का बहुत खतरनाक मौसम हो चुका है हम टाइम से घर से चले जाएं तो वही बेहतर है ये है बागनाथ का मंदिर बट अभी हम जा नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि अभी हम खाना खा के आए हैं तो हम दूसरे दिन जाएंगे फिर आज ये देखिए हमारी भोलेनाथ जी को प्रणाम एक फोटो ले हाँ जोड़ क्या तो गाइस अब हम बागेश्वर पहुंच चुके हैं और फर्स्ट बार इस पुल पे आए हैं हम ना अच्छी बनी है ना पुल तो अब बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना ठीक है यहीं से चलें गाइस सामान इतना भारी हो गया ना हम ज़्यादा घूम भी नहीं सकते हैं सीधे चलते हैं टैक्सी स्टैंड पे वैसे भी लेट हो रही है और करिश्मा तो शादी में जा रही है अगर आपने करिश्मा का लुक देखना है कि शादी में क्या पहन रही है कमेंट कीजिए 50 कमेंट होंगे मैं तभी दिखाऊंगी तभी भेजूंगी अपनी वाली वीडियोस को अच्छा मैं देखूंगी कि 50 कमेंट आए या नहीं आए हाँ अगर 50 कमेंट आए होंगे तो मैं तेरे को वीडियो सेंड करूंगी कि मैं कैसी लग रही थी ओके तो आप कमेंट कीजिए कि हमें करिश्मा को देखना है ठीक है ये कमेंट कीजिए 50 कमेंट आई तो मैं पक्का अपना लुक दिखाऊंगी फिर बताना कैसी लगी हाँ ठीक है अब हम मार्केट दिखाते हैं ठीक है ये है बागेश्वर की गली देखो शादियों का सीजन है तो सारे लोग कपड़े खरीद रहे हैं गाइस सुबह से करिश्मा ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया इसका पर्स आज 4 बार खो गया इसको याद ही नहीं रहता है कि इसने पर्स कहाँ रखा है गधी जैसी और इसके चक्कर में मुझे परेशान कर दिया सारी बैग खुलवा दे रही है रास्ते में उसको पैसे नहीं रहते तो मैं सोचती हूँ कि क्या निकालना है इसलिए तो कभी कभी निकाल लेती हूँ तो भूल जाती हूँ भुलक्कड़ है बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है मतलब और मुझे भुलक्कड़ लोगों से नफरत है इसलिए हमें गाड़ी मिल चुकी है अब हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं गाइस बारिश आ रही है और मैं घर वालों के लिए पिज्जा लेके जा रही हूँ और घर वालों से रिव्यू जरूर बताना ठीक है उन्हें पिज्जा कैसा लगा आते ही टूट पड़ेंगे वो एक साल से उन्होंने पिज्जा पिज्जा का लत लगाया था इसने आज फाइनल उनकी विश पूरी कर रही है क्योंकि ये कालिया पर उसकी शादी हो गई हाँ नहीं यार सगाई हुई है शादी में कौन ये वाइट कलर के कपड़े पहनता है लेक दिखा है मैरिड क्या बोलते हैं
गाइस हमारे जमाने में, हमारे जमाने में मतलब आजकल लोग अपनी शादी में रेड कलर की ड्रेस पहनते हैं, ये तो वाइट, ये सेलिब्रिटी अपने आपको समझते क्या है क्या समझते हैं अपने आपको, वाइट कपड़े पहन लेते हैं, देखो तो गोल्डन पहना है, पता नहीं क्या पहना है, वाइट है। और आलिया भट्ट से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे हमने सोचा था इसको बुलाएगी, बड़ा ग्रैंड पार्टी है, उसने तो कॉल भी नहीं किया ना हमें और कैसे मैं बेचारी मेहंदी लगा के रेडी थी आलिया भट्ट की शादी में जाऊंगी करके, मेरी मेहंदी खाली रह गई तो हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं दोनों को, हमें पता ही नहीं था, मुझे सच में गाइस सच में पता ऐसा लगा कि सगाई है, हाँ क्योंकि सगाई टाइप के कपड़े पहने हैं, क्योंकि लाल टाइप पहनते थे जितनी हीरोइन है ना, चली गाड़ी तो अब हम चले कब को तो घर को के बाय, आज का ब्लॉग यहीं पे नहीं होता है, घर जाके होता है गाइस। देखिए हम अभी हरसिला पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे रोड बन रही है, क्योंकि ऊपर से, हाँ ऊपर से रोड कटिंग हो रही है तो इसलिए नीचे उसका मलबा गिरा है तो साइड हो रहा है, तो वैसे ही लेट हो रही थी और लेट हो गई है, क्योंकि करिश्मा को दानपुर भी जाना है तो उसको और ज़्यादा लेट हो रही है इधर नई रोड बन रही है, मुझे आज पता चल रहा है कौन से गांव को जा रही है। गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूं और इन दोनों का, हेलो गाइस बोलो तुम दोनों, हेलो गाइस, और बहुत थकान हुई है ये देखो क्या लेके आई मैं तुम्हारे लिए, पंकु के लिए। गाइस आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है, बाय बोलो।